नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आपके बीच परविंद कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आप सभी के बीच एक बार पुनः मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्पेयरमेंट का एक ऑप्शनल पेपर ओरिएंटेशन मोबिलिटी आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम इस माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसका जो प्रश्न पत्र है ओरिएंटेशन मोबिलिटी, उसमें तीन ब्लॉक हैं। उस तीन ब्लॉक के पहले ब्लॉक का पहला यूनिट ओरिएंटेशन मोबिलिटी है, उसी पर हम आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चूंकि ये एक अपने आप में दिव्यांगता के क्षेत्र में एक क्रांति का एक परिचायक भी है कि कैसे एक दिव्यांग व्यक्ति अपने दिव्यांगता को भूल करके अपने क्षमता के अनुसार अपने सभी कार्य को संपादित करता है। लेकिन उसके पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रश्न पत्र जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी है वो खासकर किसके लिए है। तो यह विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए है कि जो पूर्णतः दृष्टिबाधित हो, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हो, या आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ देख नहीं पा रहा हो, उसके लिए इस प्रश्न पत्र की ज़्यादा आवश्यकता है। और इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम यही से जानने का प्रयास करेंगे कि ओरिएंटेशन क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और इस ट्रेनिंग का महत्व क्या है। तो इस माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे कंटेंट को पढ़ लेंगे तो हम कितने क्या जान पाएंगे ये पूरे कंटेंट का, एक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से कि आप इस कंटेंट को पूरा जब पढ़ेंगे तो आप कौन कौन से स्थिति में पहुंचेंगे कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी क्या है और उसके पूरे प्रक्रिया में क्या है। तो अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी क्या है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी को अगर मैं एक सामान्य शब्दों में बोलूं, ओरिएंटेशन मतलब अनुस्थिति, मोबिलिटी मतलब चलिशीलता या गतिशीलता भी कहीं कहीं आपको डिक्शनरी में मिलेगा, लेकिन चलिशीलता शब्द ज़्यादा उपयोगी है इस टर्मिनोलॉजी के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि ये चीज़ें होंगी कैसे। तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जरूरत क्या है, वो मतलब वो क्यों आया होगा, कैसे आया होगा। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी होता क्या है। तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने वातावरण के प्रति कितने सजग हैं, कि वातावरण के प्रति आप कितने जानकार हैं, वातावरण को आप अपने अनुसार किस प्रकार से समाहित कर पा रहे हैं। उसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वो पूरी तरीके से देख पा रहा है किसी वस्तु को, तब तो उसको वातावरण आसानी से दिख जाता है, वो चाहे और अनचाहे में भी अपनी बात को रख लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि वो कुछ नहीं देख पा रहा हो और उससे आप ये कहें कि तुम कहाँ खड़े हो, तो सोचिए कि उसके लिए कितनी चुनौती की बात है। उसी चुनौती से उबरने के लिए इस प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया कि कोई व्यक्ति अगर कुछ नहीं देख पा रहा है तो वो कैसे अपने आप को इस धरा पर, इस अपने परिवेश में, अपने घर में, लोगों के बीच अपने आप को कैसे स्थापित करें। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी होता क्या है। तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का, ओरिएंटेशन का जो एक एक लाइन में अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब कि आप अपने लोकेशन को ऑपरेट करिए कि आप किस लोकेशन पर हैं और कहाँ हैं। अगर आप ये जान पा रहे हैं तो मतलब आपको ओरिएंटेशन की जानकारी है। अगर कोई व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि मैं कहाँ हूँ, तो सीधा सा मैटर कि वो देख करके बता देता है कि मैं बाजार में हूँ, घर में हूँ, किचन में हूँ, द्वार पर हूँ, दरवाजे पर हूँ, कहीं भी बता देता है। वो कब बता पाता है, जब वो देखता है। अगर कल्पना करें कि वो नहीं देख रहा है तब वो कैसे बताएगा कि मैं कहाँ हूँ। तो उसके जो ना देखने के कारण जो उसके जो अदर सेंसेज हैं वो इतने सक्रिय हो जाते हैं कि उसी अदर सेंसेस के माध्यम से वो ये देखने का प्रयास करता है कि कोई वस्तु को हम कैसे लोकेट करें, कि कोई वस्तु कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। दोनों के बीच देखिए कैसे वो कम्बिनेशन बनाता है कि कोई वस्तु कहाँ है और उस वस्तु के एवज में मैं कहाँ हूँ। अगर इन दोनों की जानकारी वो प्राप्त करता है तो इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं कि ओरिएंटेशन को और किस रूप में हम समझ सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब कि आप जहां हैं उस स्थिति की जानकारी आपको हो जाना, ये ओरिएंटेशन एक लाइन में। लेकिन अब देखो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि शब्द से ही विदित हो रहा है मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूव ऑन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्षमता।
अगर कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ है, जाना है, अगर वो पूरी तरीके से देख पा रहा है तो उसको तो कोई समस्या नहीं, वो तो तुरंत चला जाएगा। जाने वाले में ऑप्शन में आप ये मत सोचिए कि वो किसी गाड़ी घोड़ा किसी वाहन की जरूरत नहीं, वो अपने शारीरिक रूप से कैसे जाएगा। अगर मुझे घर से बाहर जाना है तो मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने शरीर के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुँचेंगे। अगर आप पूरी तरीके से एक सामान्य व्यक्ति हैं, पूरी तरी क्षमता विद्यमान है, तो आपको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, आप अपने मन से चाहे जहाँ चले जाएंगे। लेकिन कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति कुछ देख नहीं पा रहा हो, ये केवल दृष्टिबाधित जनों की बात हो रही है, आप उसमें ये मत जोड़िएगा कि कोई ऑर्थोपेडिक हो तो वो कैसे जाएगा, तो उसके लिए वो कंडीशन अलग हो जाएगी। लेकिन जो मोबिलिटी की बात हो रही है ये केवल दृष्टिबाधित जनों के लिए है, और दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा उसकी बात हो रही है। तो उसमें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो कैसे जाएगा, तो हम उसको उसके जो बचे हुए सेंसेज हैं उससे वो अपने आप को एक्टिव करता है कि नहीं, अगर मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो मेरे जो अदर सेंसेज हैं अब उसके ऊपर भरोसा हो करके और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है कि नहीं मैं अब कैसे करूँगा और किस प्रकार से करूँगा। तो वही जो दृष्टिबाधित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना चाहता है उसी को मोबिलिटी के रूप में हम जानते हैं। अब देखिए मोबिलिटी भी दो तरीके से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कोई बच्चा जन्म के बाद अगर ब्लाइंड हुआ हो तो उसकी मोबिलिटी दूसरे तरीके से होगी। अगर कोई बच्चा जन्म से ही ब्लाइंड हुआ हो तो उसकी मोबिलिटी अलग होगी। क्यों? कि उसमें अगर कोई बच्चा थोड़ी बहुत दुनिया को देख ले अपनी आंखों से और कुछ दिनों के किसी डिजीज के कोई इमरजेंसी के कारण अगर वो ब्लाइंड हो रहा है तो उसके मानसिक पटल पर वो जो चित्र है वो पूरा बना हुआ है, तो उसकी मोबिलिटी कराना थोड़ा सा आसान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही दृष्टिबाधित है तो अब वो तो पूरी किसी चीज को देखा नहीं, उसको खुद ही अपने मानसिक पटल पर अपने अपने आप से उस दृश्य को बनाना है। तो उन दोनों की कल्पना में दोनों के दृश्य में आपको अंतर नजर आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक हैं, लेकिन दोनों के जो अनुभव होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन मोबिलिटी एक ही होगी। उनको भी वही ट्रेनिंग हम देंगे जो ट्रेनिंग दृष्टिबाधित जन्म के बाद जो दृष्टिबाधित है उनको हम देंगे। लेकिन ये तो बात रही ओरिएंटेशन मोबिलिटी की, इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी। हम जब बात करते हैं कि भाई हम तो सब कर लिए, लेकिन अब इसकी ट्रेनिंग हम कैसे करें कि नहीं अब इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसकी ट्रेनिंग आसानी से भी की जा सकती है और इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि बच्चे की डिसेबिलिटी कितनी है। अगर बच्चा जन्म के बाद है या जन्म से पहले ही है, जन्म जब लिया उसी समय ब्लाइंड ही जन्म लिया, और एक बच्चा जन्म लिया उसके कुछ दिन बाद ब्लाइंड हो गया, तो दोनों की ट्रेनिंग में अंतर आ जाएगा। एक व्यक्ति जो थोड़ी बहुत दुनिया देख चुका है तो अब उसके जो अनुभव होंगे वो अलग होंगे, अब जो कुछ देखा ही नहीं है उसके अनुभव अलग होंगे, तो अब दोनों की ट्रेनिंग आप कैसे करेंगे। तो दोनों की ट्रेनिंग में आपको उसके जो अदर सेंसेज हैं, जो अन्य तरीके के जो उसके शारीरिक ऑर्गन्स हैं, उसमें एक सक्रियता कितनी है इसको आप देखिए कि उसमें अगर सक्रियता है, अगर वो अपने अदर ऑर्गन्स को अपने सारी एक्टिविटी में अपने किसी कार्य में उसका उपयोग कर रहा है तब तो बच्चे के लिए फायदेमंद है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो सबसे पहले उसके जो बचे हुए ज्ञानेंद्रियां हैं उसकी सक्रियता का स्तर मापिए कि नहीं बच्चा ये कर पा रहा है, केवल क्या वो दृष्टिबाधित होने के कारण इसकी ये क्षमता प्रभावित है या दृष्टिबाधित होने के साथ साथ कोई और भी समस्या इस बच्चे में है जिसके कारण वो ये कार्य नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं अगर इसमें इस तरीके की व्यवधान है तो उस व्यवधान को ध्यान में रख करके तब आपको आगे बढ़ना है, तब उसकी ट्रेनिंग आप करेंगे तब उसको लगेगा कि हाँ अब मैं प्रॉपर तरीके से अपने कार्य को संपादित कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर वो इस चीज़ को कर पा रहा है और करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको ऐसा नहीं कि अब उसमें केवल दृष्टिबाधित है वो और उसको ट्रेनिंग देने लगे ओरिएंटेशन मोबिलिटी की कि नहीं तुम करो। सबसे पहले तो आपको बच्चे को पहचानना पड़ेगा कि बच्चे में अदर कोई समस्या तो नहीं है, बच्चा अपने आप में पूरी तरीके से फिट है कि नहीं है। अगर पूरी तरीके से फिट है, उसके बॉडी मूवमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर है, केवल और केवल वो देख नहीं पा रहा है, तो उसकी जो एक ट्रेनिंग की फॉर्मेट बनेगा वो बच्चे के ओरिएंटेशन मोबिलिटी दोनों को एक्टिव करेगा। अगर बच्चे में दृष्टिबाधित के साथ साथ कोई अदर डिफिशियंसी है तो फिर ट्रेनिंग के जो मायने हैं, जो दायरे हैं, वो दोनों बदल जाते हैं। अब उसको किस प्रकार से आप करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उसमें बच्चे का एज देखना पड़ेगा,
उसकी साइज देखनी पड़ेगी, उसकी लोकेलिटी देखनी पड़ेगी, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखना पड़ेगा, उसके परिवार की स्थिति देखनी पड़ेगी, लोगों का केयरनेस कितना है ये देखना पड़ेगा, लोगों का सोसाइटी में उसके प्रति व्यवहार कैसा है ये देखना पड़ेगा, सोसाइटी में अगर वो निकलता है तो लोगों का सपोर्ट कितना है ये देखना पड़ेगा। अगर इस तरीके के पूरे माहौल में वो सकारात्मक चीज़ों को प्राप्त कर रहा है तो इसकी ट्रेनिंग तो आसानी से हो जाएगी। अगर कहीं ये प्रक्रिया दूसरे रूप में है, जैसा कि समाज में हम देख पाते हैं कि दिव्यांगजनों के प्रति लोगों का धारणा कैसा है, अगर उस धारणा में बच्चा बंधा हुआ है तो इस ट्रेनिंग को कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस बच्चे का पूरा जीवन केवल आपके इसी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण पर ही निर्भर हो जाता है कि अगर बच्चे को अगर ओरिएंटेशन मोबिलिटी की आपने ट्रेनिंग दे दी और प्रॉपर तरीके से दे दी, तब तो बच्चा बिना दुनिया को देखे दुनिया में परचम लहरा सकता है, नहीं तो केवल और घर के चार दीवारी में ही वो कैद होकर के पूरा जीवन काट लेगा और अपने पूरी जितनी क्षमता थी और केवल बिना उपयोग किए हुए समाप्त हो जाएगी। तो इसमें आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ता है कि हम किसी चीज़ को कैसे करें और किसी चीज़ को जब हम करने जाएं तो कैसे हमें करना है, इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। लगातार हम ट्रेनिंग का दौर देखते हैं कि बच्चों में लगातार हम ट्रेनिंग करने जाते हैं और जब बच्चों को ट्रेनिंग हम कराते हैं तो बच्चा कितना आपको कोऑपरेट कर रहा है, ये भी आपको फोकस करना है कि बच्चा आपसे साथ जुड़ करके कोई काम कर रहा है या आप बच्चे को जोड़ के कोई काम कर रहे हैं। देखिए दो बातें मैं कर रहा हूँ, बच्चा आपके साथ जुड़ रहा है या आप बच्चे को जोड़ रहे हैं। अगर बच्चा आपके साथ जुड़ रहा है तब तो आपकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जो ट्रेनिंग है वो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखेगा। अगर बच्चे को जोड़ करके आप सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे में अदर डिफिशियंसी होने के चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए कि बार बार उसको इसी चीज़ के लिए प्रमोट करना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है बच्चे में सारी चीज़ करते हुए भी लोगों के बीच न रहने के कारण एक भय सा हो, उसी भय के कारण ऐसा हो रहा हो, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख करके जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इस ट्रेनिंग को पार हो जाएंगे और बच्चा जब ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी सीख लेगा तो उसके बाद उसको देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने सारे काम अपने अनुसार और अपने क्षमता के अनुसार और बेहतर तरीके से करता है। तमाम उदाहरण आप अपने बीच देख लीजिएगा, किसी भी एक दृष्टिबाधित बच्चे को देख लीजिए कि वो जब चलेगा तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता हुआ चलता है कि नहीं मैं बगल से जा रहा हूँ तो कौन सी आवाज़ आ रही है, क्या सुनाई दे रहा है, कौन बोल रहा है, मेरे सामने से क्या कौन सी शोर गुजरी है, कौन गुजरा है, मैं कहाँ हूँ, इस तरह के सारी चीज़ों को वो केयर करता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है वो बस चलते चला जाता है, क्या है कैसे, उससे कोई मतलब नहीं। दोनों में यही अनुभव का अंतर होता है और यही ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को अलग करता है सामान्य जनों से कि नहीं उनकी जो आंतरिक क्षमता है वो इतनी विकसित हो जाती है कि वो किसी भी कार्य को आसानी से कर लेता है और उसके बाद उसको कोई समस्या नहीं आती है। समस्या तब आने लगती है जब हम उस चीज़ को अपने अनुसार सोचने लगते हैं कि नहीं यार ये तो ये ऐसा है, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा वो हम तय करते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक बच्चा सब कुछ कर लेता है, आप उसको मौका तो दीजिए, उस तरीके का उसको माहौल तो दीजिए। अगर हम वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से देंगे तो आर्गन्स तो एक अदर समस्या हो जाती है, वो सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी उसकी इच्छाएं, उसकी रुचि, उसका डिमांड होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे करें और किसी चीज़ को हमें कैसे करना चाहिए। सब में क्षमता विद्यमान है लेकिन उस क्षमता को कैसे उपयोग किया जा रहा है और किस तरीके से करना चाहिए, इसकी अगर प्रॉपर नॉलेज हमें हो तो किसी भी बच्चे को आसानी से उसको सिखाया जा सकता है, उसको पढ़ाया जा सकता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान घुमाया जा सकता है और जिस स्थान में वो खड़ा है उस स्थान को वो खुद अपने आंतरिक पटल के माध्यम से वो समझ सकता है कि मैं कहाँ हूँ, उस स्थान का महत्व क्या है, उस स्थान की ज़रूरत क्या है, इस स्थान पर मैं क्यों आया हूँ, इस स्थान पर मेरा क्या काम है, ये सारी चीज़ें अपने आप को सीखने लगता है। जैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहते हैं मुझे कोई समय वस्तु खरीदनी है तो मुझे यहाँ नहीं यहाँ जाना पड़ेगा, आप तो तुरंत लोकेशन लोकेट कर लेते हैं कि नहीं ये सामान यहाँ नहीं यहाँ मिलेगा। लेकिन सोचिए जब बच्चा दृष्टिबाधित होगा, अब सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि मुझे एक छोटा सा वस्तु लेना है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये सामान यहीं मिल रहा है लेकिन वहाँ मैं जाऊँ कैसे। उस चीज़ को वो समझने के लिए सोचिए कि कितनी जद्दोजहद करता है कि नहीं मैं अगर आसानी से होता कि आप तुरंत उठते हैं और चल देते हैं, तुरंत लेके चले आते हैं, लेकिन उसी काम को करने के लिए एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को पूरे तरीके से प्रॉपर उसको तैयार होना पड़ता है। वो अपना स्टिक लेगा, अपने हिसाब से उस माहौल को पहले जानेगा, फिर समझेगा, फिर एक दो बार ट्रेनिंग करेगा, एक दो बार अप डाउन करेगा, फिर सारी चीज़ों को रास्तों को पहचानेगा, रास्ते में जो
कच्चा है, पक्का है, ईंट का है, रेत का है, हर चीज को वो पहले समझेगा, उसके बाद हो जाएगा। और एक बार जब बच्चा समझ लेता है ना, फिर उसके बाद आसानी से वो अपना सारा काम करता है। तो यही अंतर होता है कि हम किसी काम को जितने आसानी से कर लेते हैं, उतनी ही आसानी से हम किसी अन्य के बारे में सोचते हैं, अरे मैं तुरंत कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। आप कभी उसको जस्ट अपोजिट होके सोचिए कि नहीं, उसमें इस प्रकार की डिफिशियंसी है, तो हम उसको कैसे कर पा रहे हैं और वो कैसे करेगा। अगर ये भाव और भावना लोगों को जानकारी हो जाए और लोग एक दूसरे के प्रति अगर इस भावना को समझने लगे, तो शायद इस तरीके की समस्या बहुत आसान हो जाएगी और उसको फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी महत्व क्या है, अब हम देख पाते हैं कि अब ओरिएंटेशन मोबिलिटी तो हम करा रहे हैं, लेकिन इसका उस दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए महत्व क्या है, इस ट्रेनिंग को हम क्यों कराएं। तो सीधा से एकदम आसान सा अगर शब्दों में हम समझना चाहें, तो आप एकदम किसी छोटे बच्चे का एक फिगर अपने सामने बनाइए, चाहे किसी दृष्टिबाधित बच्चे को एक सामने खड़ा कर दीजिए, उसको देखिए कि नहीं, इसको ओरिएंटेशन मोबिलिटी की क्या जरूरत है। आप निश्चित रूप से उस इमेज को अपने मानसिक पटल पर बना करके अगर सोचेंगे, तो आपको तमाम तरीके की आवश्यकताएं नजर आएंगे कि नहीं, ओरिएंटेशन मोबिलिटी की हमें इसलिए ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के ही माध्यम से कोई दृष्टिबाधित बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और उस स्थान को पहचान पाता है, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा कैसे, आपको इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद वो जानने की बात तो छोड़िए, पहले वो बाहर कैसे आएगा, ये भी एक चुनौती रहता है। तो जब ओरिएंटेशन मोबिलिटी के माध्यम से बच्चों में जब अपने आत्मनिर्भरता का जो भाव आता है, वो इसी के माध्यम से आता है कि कोई व्यक्ति कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करे और कोई काम, अपना काम दूसरे का काम स्वयं कर पाए, ये एक बड़ी चुनौती होती है। कि कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन मोबिलिटी के न होने के कारण बच्चा पर निर्भर होता जाता है, लेकिन अगर ये ट्रेनिंग उसको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, तो वो आत्मनिर्भर बनता है और उसकी आत्मनिर्भरता ही उसके जो क्षमता है उसको हमें समाज में प्रदर्शित करती है कि कैसे एक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार उसको करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार उसको आगे बढ़ाएगा। आगे देख सकते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कैसे एक चीज़ को हमें बदलने का प्रयास करता है कि नहीं, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति को वो पर्सनली कैसे इम्प्रूव हो, वो अपने आप को कैसे समाज के लोगों के बीच प्रदर्शित करे और कैसे समाज में अपने आप को स्थापित करे। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि उसमें सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ दिए और कहें कि नहीं, इसको ओरिएंटेशन मोबिलिटी की हमने जानकारी दे दी है और वो कर लेगा। वो कर तो लेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी आप कितना दे पा रहे हैं, उसको सुरक्षित तरीके से कैसे मूवमेंट करा रहे हैं और उसको सुरक्षित तरीके से कैसे आप उसको ये बता पा रहे हैं कि नहीं, आप जब ओरिएंटेशन मोबिलिटी कर रहे हैं तो आपको उसमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे को छोड़ दीजिए और अगला वाला जान ही नहीं रहा कि बच्चा दृष्टिबाधित है, तो कोई ना कोई एक संकेत तो होना चाहिए। हालांकि व्हाइट केन लेकर के ही बच्चे चलते हैं कि नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखे तो पता चल जाए कि नहीं, मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन इसके बाद भी हमें बहुत सारे सावधानियों को ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सावधानियों से ही हमें इस कार्य को संपादित करना पड़ता है कि नहीं, ये अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन इसको हम ये नहीं कि उसके लिए तो हमेशा दुर्घटना के ही चांस है, लेकिन सावधानी कैसे रखें ये हमें आपको रखना पड़ेगा। बच्चा तो कोशिश कर ही रहा है कि नहीं, वो मोबिलिटी और ओरिएंटेशन दोनों के माध्यम से और सुरक्षात्मक तरीके से अपने आप को स्थापित करे, लेकिन उसको स्थापित करने में आपका मदद बहुत आवश्यक है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो बच्चा कोशिश तो करेगा, लेकिन एक समय के बाद उसका जो एक मेंटल इमेज बनता है, वो रास्ते को लेकर के, जगह को लेकर के, समय को लेकर के, वहाँ की आवाज़ को लेकर के, वो डिस्टर्ब होगा और वो डिस्टर्ब होगा तो बच्चे में और समय लगेगा, और वही समय जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो बच्चे को एक ही काम के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जितना प्रैक्टिस करेगा बच्चा उतना ज़्यादा उसमें निखार आएगा और वही निखार उसको स्वतंत्रता और पर निर्भरता कम करेगी। बच्चे में अगर स्वतंत्रता का भाव है तो उस स्वतंत्रता का भाव कैसे होगा, उसको हमें कैसे बढ़ाना है, इस बात को हमें देखना पड़ेगा। पर निर्भरता कैसे कम होगी उस पर हमें फोकस करना है कि नहीं, इसको अगर हम इस तरीके के ट्रेनिंग दे रहे हैं तो शायद निश्चित रूप से इसकी पर निर्भरता कम होगी।
उसमें स्वतंत्रता की भावना ज़्यादा आएगी। और जब बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है तो समस्या आधी अपने आप समाप्त हो जाती है कि नहीं, अगर अब ये सारा काम अपना स्वयं से कर लेगा तो लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। सबसे पहले तो बच्चा जब घर में इस तरीके का जन्म लेता है तो पूरा घर समाहित हो जाता है कि नहीं अब क्या करें, अब तो पूरी समस्या आ गई। अब मतलब उस बच्चे को समस्या कम है, परिवार के लोगों को समस्या ज़्यादा होने लगता है। उसके कारण पीछे का कारण एक दो मैं जान पा रहा हूँ, लोगों से बातचीत के माध्यम पता चला कि वो हर चीज़ को अपने अनुसार सोचते हैं। अगर वो मार्केट जाते हैं तो सोचते हैं यार मैं तो तेज़ी से निकल लिया, ये कैसे जाएगा। आप उसको उस तरीके की ट्रेनिंग तो दीजिए, अगर वो चल पा रहा है आप निश्चिंत हो जाए, उसके साथ चले जाइए, साथ आइए, साथ जाइए, दो तीन बार के बाद वो खुद ही अपने आप अप डाउन करने लगेगा। तो अब उसके बाद वो उनकी धारणाएं बदल जाती हैं, फिर उसके बाद वो खुद देते हैं कि भैया ये जाओ वो सामान लेके आ जाओ। आप उसी तरीके के भाव उनके साथ ही प्रदर्शित करें जैसे एक सामान्य लोगों के साथ करते हैं। आप उनको कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत करिए कि नहीं तुम ये ऐसे हो तुम ये नहीं कर पाओगे, आप ऐसे हो तो आप ये नहीं कर पाओगे। यही भाव ही उनको किसी कार्य को करने से रोकता है कि नहीं आप मुझे अपने अनुसार मेरा मूल्यांकन मत करिए, मेरी क्षमता के अनुसार मेरा मूल्यांकन करिए, तो शायद मेरी इस क्षमता के कारण ही मेरी उपादेयता सिद्ध हो पाएगी। आप अपने अनुसार जब मुझे मूल्यांकन करेंगे तो शायद मेरी जो क्षमता है वो मैं कभी दिखा नहीं पाऊंगा, और ना आप मुझे जान पाएंगे कि नहीं मेरे अंदर कितनी क्षमता विद्यमान है। तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इसी के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि कोई बच्चा अपने अदर ऑर्गन्स को कितना उपयोग करते हुए अपने आप को कितना अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अपने आसपास में और समाज में स्थापित करता है। ये बड़ी चुनौती होती है लेकिन इतना आसान ये काम नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि कैसे इस बच्चे में कोई भी ट्रेनिंग को कैसे हम उसको बढ़ाएं। अगर हम उसके जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसकी कम्युनिटी कितना सपोर्ट करती है किसी भी कार्य के लिए, उसके समाज में, उसके घर में, उसके परिवार में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर परिवार में सपोर्ट नहीं है तो उस कार्य को करने में अपने आप को अक्षम पाएगा। आप स्क्रीन के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करिएगा कि किसी भी ट्रेनिंग का महत्व तो क्या है, हम कोई भी ट्रेनिंग क्यों देंगे। तो उस ट्रेनिंग में महत्व जब अगले चरण में मैं देखता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं वो बच्चा अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसके मूवमेंट का स्टेप क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से कार्य करे। जैसे घर में किचन है, घर का दरवाज़ा है, घर का बालकनी है, घर के किसी भी स्थान पर अगर वो अप डाउन कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसका फाइनलाइजेशन करिए कि बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से अपने अनुसार अप डाउन कर सके, उस तरीके का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाइए। फिर उसके बाद बच्चे को धीरे से सोसाइटी से बाहर लाइए, सोसाइटी का ही इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का डेवलप कराइए ताकि कोई भी बच्चा उसमें अपने आप को समाहित कर। जैसे एक धारणा बनी है कि रैंप जब हम देखते हैं तो हमको ध्यान आता है कि नहीं रैंप केवल किसको ज़रूरत है, इन जो दिव्यांग बच्चे उनको ज़रूरत है। रैंप की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। आप आज सही से चल रहे हैं, कल आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर में चोट आ गया, तब उस समय ध्यान आता है कि यार ऐसा अगर होता तो शायद मैं ऐसा कर लेता। उस समय आप सारी तकनीकी का भी उपयोग कर लेते हैं, उसमें सारे वो काम करते हैं जो एक दिव्यांग व्यक्ति करता है, लेकिन उतने ही दिन में आपके जो कहते हैं ना कि जो दिव्यांगता के प्रति जो धारणा थी वो बदलने लगती है। आप जब उस कष्ट को खुद महसूस करते हैं तो लगता है कि नहीं यार समस्या तो है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति करता है तो आप उसको कैसे बोझ की तरह देखते हैं कि नहीं यार ये तो मतलब इनको क्या करें, ये तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप खुद जूझते हैं तो लगता है कि नहीं यार हमें कुछ तो करना चाहिए। तो इसी तरीके की भावना भी हमें अपने दिव्यांगजनों के प्रति रखते हुए हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जब बच्चा को ओरिएंटेशन मोबिलिटी का ट्रेनिंग दीजिए तो उसके आसपास के वातावरण को उसके अनुसार चलने दीजिए। वहाँ पर क्या जमीन, क्या शोर, क्या उस सब कुछ वो सीखे और उसको बताते रहिए, और एक बार बच्चा जान गया तो अपने आप सारी चीज़ों को कर लेगा और अपने आप सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेगा, फिर उसमें आपकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। दूसरे स्टेप में देखते हैं कि और ओरिएंटेशन मोबिलिटी है उसके महत्व और क्या हो सकते हैं। तो ये जो हम कुछ पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि उसमें जो आप देख पा रहे हैं ये केवल और केवल कुछ पॉइंट्स हैं। आप जब भी कुछ इन बच्चों के साथ जुड़ करके जब आप सोचेंगे कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं दोनों पहलू पर, तो आपको और सारे सिनेरियो दिखेंगे और सारे दृश्य दिखेंगे। चूँकि
एक क्लासरूम है, क्लासरूम की एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में ही हमें उन इतनी बातों को आपके पास पहुंचा देना है जितने से आपका जो कोई कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आप जो स्क्रीन पर पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आ रहा होगा कि उसमें बच्चे का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है कि नहीं, बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा हो। और उसमें मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे का पूरा मतलब मेरा है कि दृष्टिबाधित है और उस सोसाइटी के लोग दृष्टिबाधिता के प्रति अभी अवेयर नहीं है, तो हमें इस दोनों पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर इस तरीके की ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल बच्चा सीख रहा है, उसके आसपास के जितने लोग हैं वो भी सीख रहे हैं और जो लोग हैं वो भी उसको देख करके सीख रहे हैं कि नहीं, अगर इस तरीके की समस्या आएगी तो उस समस्या से कैसे उभरा जा सकता है, उस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। बहुत आसान हो सकता कह देना कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कोई ये कहने वाला हो कि नहीं ये कर लेगा, वहीं आपसे क्षमता चालू होती है। और यही भाव और भावना की जरूरत पड़ती है प्रत्येक दिव्यांग को, वो जानता है कि मेरे पास ये समस्या है। आप उसको ये मत बताइए कि नहीं तुम ये हो, आप उसको ये बताइए कि आप ये हो तो इसके बाद ये कर सकते हो, आप उसको मोटिवेट करने की तरफ बढ़ाइए। वो तो सब जानता है कि अगर आपके पैर में चोट है तो आप एक दूसरे ही आपके आकार में आपका सब कुछ जो प्रक्रिया होगी दूसरों से अलग होगी, वो खुद भी जानता है। आप केवल बताने के लिए मत जाइए कि नहीं तुमसे नहीं होगा, वो जानता है कि मैं आपकी तरह कार्य नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कोई सपोर्ट दे देंगे, मुझे कोई ऐसी तकनीकी दे देंगे तो निश्चित रूप से मैं कार्य कर सकता हूँ, ये उसके अंदर आंतरिक भावना होती है। लेकिन कह सकते हैं कि संसाधनों के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, जागरूकता के अभाव में या लोगों के सहयोग के अभाव में इस तरीके की भाव भावनाएं नहीं हो पाती हैं और इसलिए जो धारणा बनी है वो वहीं की वहीं बनी रह जाती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे माध्यम से ही हम इन बच्चों को सिखाएं और इन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने क्या देखा, ओरिएंटेशन क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग क्या होती है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी का महत्व क्या है, ये चारों पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन कर लिया है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा हो कि नहीं, किसी मुद्दे को लेकर के आपको किसी भी प्रकरण पर कोई असमंजस की स्थिति आ रही हो तो आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट पर ये हमें कहना है, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं और हम फिर उसी मुद्दों को लेकर के मैं पुनः आपके बीच आ जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।